हेलो हाँ जी नमस्ते हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते हाँ बताओ बस बस ठीक रोटी रोटी खा ली आ, बस खा ली रोटी अच्छा लो ठीक और बताओ आ, कर फोन क्या थम छुट्टी कब आओगा मेरे छुट्टी बेर ना मम्मी क्या करूँ छुट्टी जाएगा मैं के बाद क्या करूँ तो बताओ कि मेरो मतलब क्या रह रहे मेरो रहने को क्या मतलब रह रहे तुम बताओ तो बता। आप कह रहा था बोले मा, मा चुट्टी हाँ। चुट्टी हाँ मैं मैं छुट्टियां हूँ छुट्टी में क्या मम्मी मैं चैट चूट पड़ी उनकी दे जोड़ी प्रियंका की भी जोड़ी ऊँ छोरा की भी जोड़ी तो मेरे मन लग गई कोई नहीं मेरे रहन को रहने को फायदा है मन नू लग गए धरती पर रहने को फायदा कोई नहीं ना तो बात तो बताए तो भाई थोड़ी बहुत वही बात तो, तो बाबा जब भेज रहा था हमें बाबा ने के भेज जब मतलब मेरी खुद की वाइफ मेरी खुद की लुगाई मतलब उससे अलग है तो बताओ कैन के क्यों के भेज दो कैन भेज दो के करोगा भेज के करो इसके। जब उन्हें ऐने नु लगना गोगी मतलब मोहित ने मैं काट के फेंक दूं जिंदगी में कोई मतलब ही कौन है

मन को फायदा ना लग है बात क्या करूंगा अपन तो वही चैटिंग पड़ी है कि भाई जुड़ी चैटिंग पड़ी प्रियंका की मन नु लग गया मैं ज्यादा टाइम या उन दिया करती मम्मी और बोलो मैं क्या करूं ये भी हम जब जाए तो बाप तैयार है बोल हम जा

मन था ज्यादा विश्वास था ऊपर यहाँ मैंने इतनी छूट दे रखी थी तुझे किमी भी कर मैं एडमिशन से लेकर कॉलेज से लेकर कोचिंग से लेकर सब क्या मैं को, सब सबकी तो जाए जाएगा करवाएगा जेठ मैंने यहाँ कही जानो लेकर गये किमी भी कही किमी बात भी कही ये मैंने नो भी कही की मन साथ में तो मैं ऊँ की भी कोशिश करेगी मैं साथ में लेने की कोशिश करू रिकॉर्टर को फिर भी मैं कहता ना कहते कोशिश कर रही हूँ मैं लेकर आऊंगा ठीक है लेकिन वो कोई फायदा ना लागे मैंने ठीक है मतलब इतना सब किमी मैं ता करता करता एक इंसान या उनको बारा बिल्कुल भूल गई लग गया जन तो मोहित मेरी जिंदगी में हाथ ही कोने या मेरे से बात ही मुश्किल से करा करती या बात करती करती मेरे से ऊपर मैसेज़ से बात करा करती हूँ बताओ मत मेरे फोन मैं करा करता तो मेरा फोन के

है ना इतना ही ख्याल है तो कि माँ बापा को या जहाँ आप थम जाओगे माँ बापा को ख्याल है तो मेरे ख्याल है तो कि मैं तो शायद मेरे हिसाब से सुखी मी करती ही को ठीक है तो नु कह मन में मेरी भाड़ पे इतन विश्वास है विश्वास मन ऐसी भी ज्यादा पे ठीक है लेकिन जब मैं की कोल्ड डिटेल्स वगैरह देखी तो मेरी आंखें की आगे से जमीन खिसकगी और वो तो शुक्र मानोगी मेरे कने और राइफल कौन थी डुटीन मेरी डुटी ना लाग रही थी उठे ठीक है डुटी ना लाग रही जिसमें मैं राइफल कौन थी नहीं मेरे सुमन मन करो तो मैं बीस की बीस गोली मेरे अंदर से काट लियो और बताओ तो मैं ज्यादा था मेरे को बताओ मत और हाँ तो जाता तो ये किम कि करता ही करता ही बाबू जाता तो तो बिचोला ने बुला लियो तो

आराम से बैठ कर बातचीत कराया करता कदम नुक थी कि मतलब यो बैठ गो तो या खड़ी है या बैठी है तो यो खड़े आएगा साथ रोटी भी खाया करता सारा काम कराया करता है इसी को नुकन थी कि ये देवर भाभी है ठीक है और मतलब यो की कौन तो गया का मन में कि मतलब मेरा भाई ना कुछ ये तरह ऐसी तो जब मम्मी दिखा है ना कि खुद का भाई किसी हालत है रही है जो तीन तीन रात ते सो ना रहे हो रोटी ना खा रहे हो तो दुख है ना मम्मी सब न वो है ठीक है तो जब जान दिया है तो बेटा किम कर आता, आता, कस, कस कर के करता है आपका समझा करता समझाएगा समझाएगा क्या करता मम्मी क्या करता समझाएगा जब मैं इतनी समझा लिया इनकी तुम तो मैंने बात बता दे जो की बात ही मनने की बात नहीं बताई था बता दे गया बताओ मैंने नुभ भी कह दी भाई की सोगन तेरे लग जाएंगे बात बता दे मैं मतलब कुछ नहीं कहूंगा तू तुमने बात बता दे सिर्फ इतनी इतने इतनी देर के बात करा करती दिन में पांच बार तू क्यों फोन करा करती हुआ पांच बार फोन करके तू के बात करा करती बोली मैं कोचिंग की बात मैं प्रियंका मैं बेवकूफ तो हाथ को ना ठीक है कहीं जरूर हिंगी फौजी बेवकूफ आया करे लेकिन फौजी बेवकूफ ना आया करे ठीक है इतनी इतनी देर किए बात कराया करती मैंने इतनी बात बता दो इतनी बात कोचिंग किताब किताब की की बात करनी है दो मिनट में पूरी है लींगे बात तो मैं सुबह जाया करती तो फोन करा करती बोली उनको फोन आया उडो आया कर फोन ऊँ को आया डोर आया तो तू क्यों करा करती फोनो करने और घर पे क्यों नहीं करती घर से निकलता है क्यों फोन करा करती हूँ तो जितनी बात कही मैं मेरी मम्मी चुप करी मेरी मम्मी के सामने तो कोचिंग की बात भी करती ना एक बार भी हूँ साथ तो मैं मान लेता तो कि तू तो हर बार कोचिंग की बात करा तो कहते मेरी मम्मी के सामने बात ही नहीं करी और मैं छोरा को फोन ए, एक बार राहुल लियो वो छोरो फोन काट दियो राहुल की आवाज सुनकर मैं के समझू ऐसी जनता नो बताओ तुम बताओ मैं मतलब गलत हूँ तो मन बताओ की मोहित आप गलत हो तो, मैं कित गलत हूं बताओ वो लड़को मम्मी है न रात ने किसी का मैसेज रात भेजे ना, ना गुड मॉर्निंग प्यू लिख के भेजे बताओ जैसे खुद की सोरी है रात ने है ऊ छोरा कने सी बात ना करके रातना ने प्यू याद आ रही है रात ने ढाई बजे के मतलब निकले हैं वो के मतलब उन्हें बता दो मतलब मतलब की है ऊ लड़का ने रात ने ढाई बजे प्यू याद आ रही है और बोलो तो मम्मी को नहीं होगी अरे मम्मी दिक्कत तो यही थी, है थी है, सो मम्मी कह नहीं रही थी मम्मी के ना सोचती तो मैं इतनी गारंटी ली हूँ रात में बात करती और बताओ सो तुम्हारे तो सो सोते की बात कर रही हो तुम इतनी क्या बात भी तुम थम कह रही हो सोते तो मम्मी करी है मतलब तुम भी जो गलत है ना उन गलत नहीं कह रहे था अपनी बेटी का नहीं देख रहे हो कि सिर्फ हमारी बेटी है ना मम्मी बात मेरे यही है मतलब थाने एक भी जो है ना थारी बेटी दिख किए है गलत किए है कोई फायदा को नहीं देखो जब तक मैं ना हूँ ना जब तक तो ये चीज ऐसी और मन ने बेरना मैं उड़ा कभी नीचे जाऊँगा और मन कब छुट्टी मिलेंगी उससे पहले दिनेश ने भेज कर कोई फायदा को नहीं मम्मी तू ले तू लेके करोगे क्या करोगे मन न वो के परा तो केगा हां इ थम को की भाई मतलब पूरी उम्र है ना बैठा लेंगा जब तो मैं थानू कर दू को लिया हो जाओ तो पूरी उम्र तो के? पूरी उम्र तो बेटा कौन बठाओ उसको बठाओ उसे तो बस तो फिर नु ना मतलब मम्मी जे सा काम करिया ही ना इ मौका ही दे ना गयोडी ना दो दो न आएगा दो ढाई बताओ दो ढाई महीना आएगा भाई तो मैं कह रही हूँ ढाई महीना आएगा दो ढाई महीना की थनिया याद आती है कि यह दो ढाई महीना आएगा बुला ठीक है इतना मतलब काम कर दिया इतनी थाने में चीज बता रही प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मतलब जब भी तू पूरा बुला तुम बताओ फिर बाबा ने बताइयो या तो ये बात जब तू वो इतनी टेंशन मत ना लियो मैं मतलब को प्रियंका का हाथ लगा रहे ना को घर आ पीट न रहना इत भी मेरी मम्मी उन्हें आराम से रोटी बनाए खुद बनाए रोटी खुआ रही उन्हें ठीक है इतनी बात मान लो तो हम की कोई सासू को अगर आपको छोरा के साथ में इसी इतनी बुरी देख रही है ना जब भी उन्हें रोटी बनाए खुआ रही है ना तो मतलब वो आपकी बहुने है ना जितनी हो सके उतनी बचाने की कोशिश कर रही है एक भी कैतरा ना कैतरा जो मेरे दिमाग में ख्याल चाल रहे वो गलत साबित हो जाए ठीक है इब्तें ना कोई बच जस चढ़ा की मम्मी तो है ना इतना घर से बाहर काट चुकी होती ठीक है इतनी चीज चीज बाहर आया बाद भी वो लड़को है ना रात साढ़े आठ बजे किस्से का मैसेज भेजा है और मैंने क्या कहा है कि मैंने देखा नहीं उनको मैंने इग्नोर कर दिया बताओ या उन्होंने नूह नहीं कहा कि तू क्यों भेज रही है वो लड़को कपड़ा चेंज करे तब वो मैसेज करे की मैं कपड़े चेंज करके गाड़ी लेके जा रहा हूँ बताओ के मतलब है की कोई दोस्त कपड़ा चेंज करके कर नू कहो कर की मैं कपड़ा चेंज करके गाड़ी लेके जा रही हूँ है या हूँ कहने नून नू बता की मेरी कमर में दर्द है मैं बाम लगाई है बताओ ये एक आपका हस्बैंड ने बताने की बात है करी है मतलब आपका माँ बापा बताने की कोई दोस्त ने बताने की बात है करी है की मेरी ना कमर में दर्द है बताओ वो लड़को मन वो लड़को है ना मैसेज मैं कह रहे है तू तो टेंशन ना ले बाबू मैं लाके दूंगा तेरे को बताओ और मम्मी के सुनना चाहो मेरे खान बताओ तुम के लू मैं जब तू बुला तो, बुलान दिखाए फिर थंबा बार बता दी ये बात सी बुलान देन जान दे। ना, देखो तो बुलाएगा फिर मतलब करोगा की करोगे तो कर, मतलब मेरी कोई इज्जत है मैं मतलब लेकर जाऊंगा बताओ है इतनी सब बात है बाद में थमन को बुला लिया समझावा मतलब ये समझाने की बात को मम्मी जय इतनी मैं बताऊ था ना मेरी जो भाण होती ना मेरी अगर भाण होती इसी को चीज करी होती ना मम्मी मैं उन्हें जिंदी जमीन में गाड़ देती और बोलो तुम सही बताऊ था मैं उन्हें जिंदी में जमीन में गाड़ देता हूँ कि तिरकन इसी को कमी रहेगी जो तुम बता कि तिरकन कमी रहेगी थी कोई

तो था मैंने बेशक लिया जाएगा घरिया उत भी मैं यह कोशिश कर रही हूँ कि सब किम जो मेरे दिल को बह ना ये सब किम गलत साबित हो जाओ कितने ना कितने एक परसेंट उम्मीद रात ना कितने की ये सारी चीज गलत साबित है जी

ये मेरी मम्मी के जाए बात बात करा करती हूँ और बोलो और मैं थाने के बताऊ मम्मी एक बार मेरा फोन काट के कर फोन करा करती है ऐसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और हो सके क्या जिंदगी इन बताओ है फोन ऊ इंसान को काटे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो है। मतलब वो लड़को मेरे से ज्यादा इंपोर्टेंट है, हैं खातरिया और है। सुबह सुबह उठ के ऐ कहना पूछा करती कि चाय पी ली वो वह कहना पूछा करती कि तीहू चाय पी ली आपने गुड मॉर्निंग है कन कन कर सबसे पहले उठ गुड मॉर्निंग करती ठीक है मेरे तो मैसेज तो बताया ना करती वो आगे, वो है करती की कोचिंग जाऊंगी तब कॉल कर लूंगी बताओ और ऐसे ज्यादा मैं किए तो 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 नहीं कर समझा कर फैसला में बहुत से डोरलाई को नहीं के नाम नहीं, देखो, आदमी से हो हो को नहीं? देखो ये जो फैसला है ही ही ना जब तक ये सप्ताह का घर में रही है ना बहुत छोटी चीज लग गई लेकिन जब अपना घर में सी आज जाए ना आदमी से कितने बड़े बड़ो आदमी क्यों ना हो कितना फैसला सल्टा वो आखिरी मार के टूट जाओ तो जब दिन बस ना डॉक्टर है ना डॉक्टर ठीक है मम्मी डॉक्टर है ना दुनिया का ऑपरेशन कर सके है लेकिन आपका घराना का ऑपरेशन का देख कर सके ध्यान में रखियो ठीक है, के है थार। तो खुद ने कितना सारो मौको दूंगा ठीक है की तुम आज जब तक इंतजार कर लियो थाने सारो मौको दूंगा जब तम ये सोचो ना कि परेशान तो है रही छुट्टी उठे एन ले कर जाओ तो बेशक सारी उम्र अगर रखो तो लेकर आ जाओ मैं रोकूंगा

सब की में ड्रामा करनिया, दारू पी का ड्रामा करनिया, ठीक है सब की तो मिल जाएगा है, है? गारंटी है कि के चाल ले हो, ना मोहित प्रियंका कोशिश करे ठीक है उन्हें कभी फंसाने की कोशिश नहीं करेगा ये ड्रामा तो करना तो मनने भी आए ये सब सोचते है ना ये ड्रामा मन भी करना फिर बात की है कि, कि वो जाओ है कि मतलब नू लागा है कि बिना यो बेवकूफ है ठीक है ये सब ड्रामा मन्ने भी करना आई है दारू मन्ने पीणी है और ड्रामा मन्ने भी करना आई है ठीक है मतलब लड़की का घराना आना झुकाणु मन्ने भी आओ है पर मम्मी मेरी से सोच को नहीं मैं कौन सोचू ये सब चीज सारा ये काया कहा ठीक है इसी सोच को मेरी की मैं कि मैं नू कर दू की प्रियंका मत ना जाओ और या चली जाओ फिर भी मैं कि थोड़ी बहुत फिर भी रोक लो नहीं तो मम्मी इसी हिम्मत को नहीं हिम्मत हम ना, तो तो ना बेटा करेगी तो तो चोरी, चोरी कर दोबारा चोरी नहीं करेगी भैया सही एक बार फिर दोबारा ना करेगी या तो रहेगी थोड़ी सी माने कोने ली करे जाए कुछ चीज ही ना मम्मी इसी है इंसान चोरी कर दोबारा चोरी ना करे सुना मेरी दोबारा चोरी नहीं करे उन डांट देगा तो ठीक है लड़ाई करके आज जाएगा ना दोबारा लड़ाई नहीं करे लेकिन ये जो चीज है ना मम्मी ये एक बार है जाए ना तो इंसान को क्या विश्वास टूट जाओ है। और फिर तुमने सोचो कि मोहित दोबारा विश्वास कर लेको तारी बेटी नु, नु, सुखी ना रह सके मम्मी तुमने सोचो ना कि दोबारा विश्वास कर लेकिन ऊपर या ये सब चीज इसी ही, ही। कोने बर्दाश्त थी लेकिन खून करके आ जाती ना मेरे मेरा वाजिज बर्दाश्त थी मन बता देती की मैं खून करके आएगी ऐ इल्जाम अपने ऊपर ले लेते ठीक है पर लेकिन ये जो चीज है करी ना ऐसी ये के है आदमी ने निचोड़ रख दी है ढंग से कि ये कौन बच्चों के अंदर ये थाने थाने है ना मम्मी ये चीज है ना ये भी नहीं समझ में आएंगी थाने ये चीज ये भी नहीं समझ आएंगी पर मैं कहूं कदे ऐसा है ना डीपी की जब शादी हो जाओगी ना जब थारी काम में ना, जब थार जब की जब में करेगी ना दिन लड़का पूछियो कि उनको भी है काम हो जाए ठीक जा। है जब मैं कहना पूछी डिप्पी तेरे दिल पर कई भीतरी है मेरी माँ पाओ भीतरी है कि? और मेरे ऊपर कही भीतरी है तब था ना मेरा पाटावन चीजें तो पांच सात दिन खिला तो सात दिन खंडाएगा के करोगा मतलब के शिक्षा, दे के, दे की शिक्षा तो है। के दे जो मैं ना हम दे दे कोई न तो के शिक्षा समझाओगे ना कि छोटे नू नहीं करू चाहिए तो नू नहीं चाहिए तो अरे ये तो चीज ना मैं भी कह रही हूँ कि मैं तो इतनी और कह रही हूँ कि तूने कुछ भी है ना प्रियंका कुछ भी है ना तुम मेरे को सही सही बता दे मैं तेरे को ये कह रहा हूँ कि तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा दोबारा विश्वास जीतने का यही एक तरीका है तेरा कि तूने कुछ भी किया वो बता दे मेरे को कम से कम ये संतुष्टि रहेगी कि इसने कुछ किया है ना वो सब इसने बता दिया मेरे को इतना तक कह रहा हूँ मैं उसको कि मेरे को सब कुछ बता दोबारा तेरे पे मैं उतना ही विश्वास कर लूंगा दोबारा की कम से कम इसने बताया तो सही इसने अगर गलती की है तो इसने अपने मुंह से बताई है मेरे को ये जरूरत ना पड़े कि मेरे को कहीं एफ आई आर वगैरह लिखवा के कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह निकलवा के फिर मेरे को ये सब करना पड़े पता चले उससे बैठे तू बता दे मेरे को सारी चीजें मैं खुशी खुशी सुन लूंगा खुशी खुशी तेरे को माफ कर दूंगा ठीक है तूने जो कुछ भी किया पढ़ लूंगा लेकिन तू बता दे मेरे को ठीक है ये ना हो कि मैं और कहीं से सुनू और कहीं से पता चले मेरे को मैं तो बर्दाश्त नहीं होगी मेरे को तब तो मैं तू बात कर रही है घर पे जाने की मैं तेरे को परमानेंट घर भेज दूंगा और मैं तेरे को तो भेज दूंगा भेज दूंगा और उसको ऊपर भेज दूंगा धरती के ऊपर से ही ये भी कह दी मैंने इसको ये नहीं सोचना है कि मतलब कुछ नहीं होगा मैं कोई यहाँ से जाऊँ भी का छुट्टी ठीक है सारे काम करके भी आ जाऊंगा और फौज में ही शो कि ये बंदा यहीं पे था इसने कुछ नहीं किया ठीक है मोहम्मद बह मेरा ना कि फौजी के ऊपर तुम तो केस लगा दोगी ये तुम्हारे घरवाले लगा देंगे हमारी बेटी को मार दिए कुछ नहीं कर पाओगे मोहम्मद वो मेरे को कुछ नहीं बता रही वो आप लोगों को क्या बता देगी ये बताओ क्या बताएगी आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों को क्या बता देगी दे खलाव बेटा पांच साल दिन खाला मम्मी मैं था ना देखो कह दी है मेरा आया बात है ना चित मैंने परमानेंट लेगा जी तुम पांच सात दिन की बात कर रही हो था मैंने जी मम्मी साल रखो दो साल रखो तीन साल रखो चार साल रखो जीव इतना राखी बस मैं किमी उनको था सारिया का दिक्कत आया करती है कि मोहित भेजा को मोहित भेजा को ठीक है मधु के भी यहाँ चीज की दिक्कत आया करती है वह मेरी माँ ने हर बात पर गलत ठहरा दिया करती है हालांकि वह सब किमी कर आई है उन्हें बेरो है लेकिन वह प्रियंका ने क्या कहा है कि मोहित को ये बोलना कि हम आएंगे तो क्या है ये नहीं आएंगे रीना इनके साथ नहीं आएंगे मैं कभी मार्केट आऊंगी तो मोशी से मिलके चली जाऊंगी मगोज गलती की है ना मधु तो हिम्मत रख बोलने की कि बोल के आई ये सारी चीजें ये मगो चुगली चाटे नहीं करना रहे अपनी बहन के घर में जाके तू ये सब करके बहन तेरा सपोर्ट कर रही है मगो अगर करके आई है तो हिम्मत रख करके आई है तो बोल खड़ी होगी मैं करके आई हूँ कोई दिक्कत नहीं है बर्दाश्त है वो चीज पर ये सब नहीं है कि तुम मुझे घर वालों गलत ठहरा दो हर जगह पे की मुझे घर वाले गलत हैं कि उसकी माँ झूठ बोल रही है मेरी माँ एक झूठ बोल सकती है दस, दस जो झूठ नहीं बोल सकती मधु के बारे में मधु ने क्या बिगाड़ा है मेरी माँ का ये बताओ तुम तो मधु बेट लगन में क्या मधु तो का हाँ, भी कौन सब हाँ यही आपकी बेटी कह रही है मैंने कुछ नहीं कहा अभी अभी वो भी यही कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया और जो मैं आपके सामने दिखाऊंगा ना वो सारे टेंशन मतलब मम्मी सब कुछ प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको आप बता देना कि मैं गलत हूँ आपकी बेटी गलत है ठीक है सबकी बेटी जो अपनी औलाद होती है ना मम्मी से वो कैसी भी हो वो अच्छी लगती है हमेशा वो सही लगती है हमेशा दूसरा ही गलत लगता है ठीक है मधु की उस टाइम पे मेरे सामने बात हुई थी कि मधु ने क्या कहा मधु घुमा फिरा के बात को कहती है कि मैंने ऐसे नहीं मैंने वैसे कहा था मैंने वैसे नहीं मैंने ऐसे कहा था ठीक है तो थी, मम्दा मम्दा ना, ना जब उनके हस्बैंड आके दारू पीके ड्रामा करके सुबह उनको कहते हैं तुम गाड़ी के अंदर बैठ जाओ इतनी डरती कि वो गाड़ी के अंदर बैठ के चल देती हैं और मैं इसको कहता हूँ प्रियंका नहीं जाना तेरे को लेकिन ये मेरी बात के ऊपर से चल के जाती है वहाँ पे ठीक है ये होता है डर मम्मी ठीक है ना ये बात आप भी जानती हूँ आपके घर से गई थी वो उस दिन शादी हुई थी इसकी उस दिन इसको उनको रोकना चाहिए था इनको उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं हम नहीं जाएंगे हमारे घर में काम फैला हुआ है ठीक है लेकिन वो दोनों चली गई क्योंकि डर लगता है डर ऐसी भेज दिया ठीक है मैंने इसने कही थी प्रियंका ने प्रियंका कुछ भी हो जाए नहीं जाएगी पापा ने मना कर दिया है नहीं तो तो जाएगी फिर भी ये बोली कि मैं जाऊंगी ठीक है और बोलो ठाड से मैं क्या ले जाऊं? ना इसने यही बात कही। मार जाऊड़ी है तो थम जी मत ले, और और ले इसका काम मैं करूं ना इस काम मैं करूंगा मैं ना बेवकूफ नहीं लगूंगा ठीक है जैसे थाने दोनों लागी ना इस मैं लगूंगा फिर मैं थाने बेवकूफ लाग तो होंगे

मैं थाना बता दिया ना मम्मी जब हो ना तो परमानेंट लेकर जी हो और जो ना ना तो छोड़ दियो ठीक है और वैसे ज्यादा मैं थाना कुछ नहीं कहूँ क्योंकि यहाँ वक्त मेरे ऊपर जो बीत रही है ना वो मन न बेरो है और यद दिन यह चीज था तब तब बेरोको जब थमी डिप्पी को ब्याह कर लियोगा और थारी बो किमी सो काम करेगी ना

तो इतना दिन से भी तो मेरे बिना रह, रह रही थी बता तू इतना देना भी तो मेरे बिना रह रही रह रह थी उसी बात कर रही थी टाइम तो पास है थो ना। तो ना और है। और मैं हूं रह लेगी कोई दिक्कत आ रही है हमें बताओ तो हम तो तब तक नहीं पूछे बेटी तू के करा हर के ना करा था हम अगर ऐसा होता तो हम पूछ कर मैंने बताता की हमारी बेटी यह काम कर रही है तुम तो रोक लो उन्हें के काम कर बस तो फिर तो थाम्ने टेंशन क्या ले रहे हो बेरो जिसो तो बेरोपोटिव लेना ज्यादा मैं क्या करूम तो फिर भी रही तो है तो तो पांच तो... सात दिन खातर लिया जइ हम हाँ। तो सपोर्टिव सारी बताते हूँ की भी सुना तो सुनियो सुनियो मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ मैं कितना थोड़ी ना यू को दिमाग में सबकी मैं साफ कर दू मैं फिर सर सुन को मौको को दूंगा मैं था इतनी गारंटी दे दी मेरे पे विश्वास रखो इतनो इतनो और रखो कि थारी बेटी सही सलामत है बिल्कुल ही सही सलामत है दाऊ रोटी खा रही है दाऊ रही है ऐसे ज्यादा और खेले होगा लिए बता दो और ऐसे ज्यादा की गारंटी चाहिए था ये भैया डर का मारे तम सोचो ले लेकर आओ मारी बेटी की कर दीगा कुछ कर देंगे तो इस अगर मैं तो सबकी में आदमी नू ही मारे जाए ही ठीक है तो... ए, मैं मत ना रही मम्मी खासकर फौजी का में ठीक है जब कोई फौजी नोन बेरोत बात करे है तो उनको दिमाग में एक ही ख्याल रो है की तुम मैं न मार दू और की मैं खुद मर जाऊँ

हाँ जब तो उसको फेंक दिया ही वाम थे तो गरीब मरते तो क्या याद करने ना मर मरती क्या टे मरती क्या मरने जरूरती क्या थी ना बताओ मोहित से तूने तो बात करना मतलब ये कौन तो मरती क्या टे वा मरतो तो, तो मोहित मर तो ना मोहित न्याजा मम्मी ये ड्राण की चीज करी मम्मी की चीज करी मैं उन्हें बात करता ना तब हर बार प्रियंका ने मैं यहाँ बात कराया करता प्रियंका अगर इसी कोई बात मैंने बाद में बेरो है तो मन बता दी कदे बता दी थी कोई दिक्कत को नहीं मैं तने तू कहा वह कर दू व चीज तर इसी को चीज अगर में मेरे नाटी ने प्रियंका के तो मैं तन्ना मार और की मैं ऊँ मार दू यह बात मैंने इशारा इशारा मैं घनी बार कही घनी बार कही उरा तक की मेर कहने एक लड़की को फोन आया और नारनोल सी कि ऐसे ऐसे प्रियंका के हस्बैंड बोल रहे मैं को हाँ बोल रहा हूँ तो मैंने इसको वो चीज ही बताई लेकिन तब भी इस बंदी ने ये नहीं सोचा कि मतलब इस लड़के ने मेरे को ये सब चीजें बताई हैं तो मेरे अंदर कुछ इंसानियत तो होनी चाहिए कि मैं 20 दिन से बातें कर रही हूँ इसके साथ में 25 दिन से बातें कर रही हूँ मैं इसको बताऊ ये सब चीजें ठीक है ये होती है ईमानदारी एक विश्वास है कि किसी के ऊपर विश्वास करना ठीक है आपकी आप बोल दो भूल गई होगी गलती से अरे गलती से मैं भी तो भूल सकता था मैं भी नहीं बताता कुछ भी इसको लेकिन फिर भी मैंने बताई इसको क्यों मेरे को लगा कि हाँ भाई बतानी चाहिए अगर ऐसी कोई चीज हुई है फ्यूचर में पता चलेगा इसको तो दुख होगा इस चीज का इसको जान दिया देखो बाबर जाता ना मम्मी ठीक है ये जाता तो बात है ना बढ़ती ठीक है या जो चीज थी ना या कौन है तुमने तो सोच सड़ जाती है सलती कोई नही चीज क्यों था बेटी सही लगती मन मैं सही लगती और चीज बात पर खत्म पहले कह तो लेकर तो मैं नहीं रोकूंगा थम... अगर तुम थम... यह सोचो हो की भैया परेशान हो रही है और किमी है रही है तो बहत लो मत थान में बता दी हूँ तो तो परेशान तो तो है। मारो तो तो, मारो तो देख लियो ना मारो तो अपने रागी हो ना, ना, मन ना, तो, ना मन ने? तो मारने मारो हमने घर या घर तो मेरो बसा मेरो घर बसा दियो मेरो घर बसाने की सोचती तो ऐसा काम ही ना करती घर तो मेरो बसा इसने हो इसने बसा दियो ये दो मैंने खुली छूट दी है बिल्कुल खुली छूट

कहीं आदमी को विश्वास ना रुकी करो तुम घर में बार कल रह जाएगी तुम्हारे तो जबरदस्ती इंसान ने रोक ये कहने की बात है कर जबरदस्ती रोक ले इंसान ने पैसे ना रुके जबरदस्ती ठीक है, है। तो मतना टेंशन लो लोको किमी को अगर मरण की खबर भी मिलेगी ना कोई की तो मेरी मिलेगी मत ना टेंशन लो था बेटी किमी को क्यों मरो सब के देख कर जाओ ना।, ना। नो अगर मरण की खबर मिलेगी तो मेरी ही मिलेगी लगाने भी और बोलो ठीक है ठीक तो है ना मेरी ना? की तो गलती है ही घी जो है मेरा विश्वास तोड़े होते गलती मेरी है मम्मी उनकी गलती कोई है ठीक है तो मरण भी मर नहीं पड़े वो उन्हें कौन मारू मैं मतलब लो तुम क्योंकि मैं इन्हें सिर्फ सोच के ले थो कि मतलब सिर्फ एक ब्याह करके लेकर चले ठीक है गये साथ में दिल से रिश्ते निभा दिल जितनों से जितने हो सके ना इतनी पूरी सपोर्ट कर रहे थे जेठ या गलत थे थी उठे। गलत भी किए जेठ सही थी ना उठे मैं मेरी ने भी रोला कर सही है ठीक है नुह कौन है कि मैं इन्हें हमेशा गलत कही हूँ तेरी बेटी कहने पूछ ली हो ची यह चीज ठीक है ये लेकिन क्या किए करो बात कोई भी ना कोई है। थाने को दिंगो। यो ये मौका दूंगा मैं और बताओ तुम्हें ठीक है मैं साथ आ, भी आऊंगा ठीक है मैं थाने ये भी मौकूद दूंगा मत ना टेंशन लो थाने मिलवाऊंगी गुए ऐसी बात भी सुनवाऊंगा सारी ऐसी सफाई भी सुनवाऊंगा या के कहे के ना कवे तुम मेरी भी सुनियो ऐ की भी सुनियो और तुम खुद डिसाइड कर लियो कौन गलत है और कौन सही है बस